औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम दो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि हैं गलवानिक सेल और डाउन सेल, और इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे गलवानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। सबसे पहले गलवानिक सेल, व्हाट इज गलवानिक सेल? गलवानिक सेल की अगर हम बात करें तो गलवानिक सेल को वोल्टिक सेल कहा जाता है, और गलवानिक सेल वोल्टिक सेल, तो वोल्टिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवा कर, बाय अ केमिकल रिएक्शन, हम किसी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच, जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं लगातार होने वाला केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो खुद ब खुद, एक तो लगातार और एक खुद बखुद, जिसको अज खुद भी कहते हैं, तो खुद बखुद होने वाला केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड जनरेट, और वो बनाता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली देखें, केमिकल रिएक्शन कराते हैं और ये केमिकल रिएक्शन होता है अज खुद होने वाला स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है जिससे प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी बिजली बनाई जाती है। इसे गलवानिक सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ, और इसकी एग्जांपल में हम डैनियल सेल की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, ईच इज कॉल्ड हाफ सेल। इसमें इसे हाफ सेल इसलिए कहा जाता है कि एक सेल में ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे में रिडक्शन होती है। ठीक है, तो हाफ सेल में हमारे पास टू हाफ सेल्स आ जाएंगे। तो गलवानिक सेल की अगर बात करें, गलवानिक सेल इज मेड अप ऑफ हाफ सेल्स। ठीक है, कितने हाफ सेल हैं यहाँ पर? टू हाफ सेल्स हैं, हाफ सेल नंबर वन, हाफ सेल नंबर टू। हाफ सेल नंबर वन की बात करें तो उसमें ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे में हो रहा है रिडक्शन। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड ड्यू टू रिडक्शन, दे आर नोन एज फर्स्ट हाफ सेल एंड सेकेंड हाफ सेल, कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकली बाय अ सॉल्ट ब्रिज, जिनके दरमियान सॉल्ट ब्रिज होता है जो कि आयन माइग्रेशन को कंट्रोल करता है। ईच ऑफ द हाफ सेल, हर हाफ सेल, एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन वन मोलर सोल्यूशन, इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है वन मोलर सोल्यूशन टू इट्स ऑन साल्ट, अपने ही साल्ट के वन मोलर सोल्यूशन में, और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है वायर से। इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, हमारे पास ये देखें, ये है जी एनोड। अगर डैनियल सेल की बात करें तो एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक, एनोड जिंक से बना होता है, और डैनियल सेल में कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर। अब जिंक को डिप किया जाता है इसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब जिंक का सॉल्ट क्या है? ZnSO4 जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक का सॉल्ट है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, H2O में। ठीक है, तो जिंक सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। इसी तरह से कॉपर को डिसॉल्व करवाया जाता है। कॉपर को हम किस में डिसॉल्व करते हैं जी? कॉपर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। अच्छा, कॉपर का सॉल्ट CuSO4, कॉपर सल्फेट, और इसको डिसॉल्व करवाया जाता है वाटर में, H2O में। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। और देखें, इनको कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज से। याद रखें, दो ऐसे मेटल्स यूज करने हैं, एक वो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके आसानी से, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, और ये इलेक्ट्रॉन लूज ना करे। द लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल में जिंक मौजूद है, और जिंक को हमने डिप किया हुआ है वन मोलर सॉल्यूशन, एक मोल सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में। ठीक है, जिंक सल्फेट के वन मोलर सॉल्यूशन। एंड द राइट हाफ सेल, और जो राइट हाफ सेल है उसमें वो कॉपर से मिलकर बना है कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसको डिप किया गया है वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में। सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज को इस्तेमाल किया जाता है, ये एक यू शेप ग्लास ट्यूब है, शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है, और इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला जाता है। किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का।
और एक जेली टाइप मटेरियल में वो सपोर्टेड होता है। ये जो एंड्स हैं इस यू शेप ट्यूब के, उनको सील किया जाता है पोरस पोरस ग्लास वूल मटेरियल से। ये देखें, ये एक पोरस ग्लास वूल मटेरियल है। इसका फंक्शन है कि ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखता है आयन और चार्ज बैलेंस करके, ठीक है। ये चार्ज अकुमुलेशन नहीं होने देता, ठीक है। ये चार्ज अकुमुलेशन को प्रिवेंट करता है। चार्ज अक्यूमुलेशन अगर हो जाए तो करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, ठीक है। चार्ज अक्यूमुलेशन कहते हैं चार्ज का जमा हो जाना। तो ये चार्ज अक्यूमुलेशन को स्टॉप करता है, दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस रखता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है। वर्किंग ऑफ सेल की बात करें अगर, तो इस वर्किंग में हम देखते हैं कि जिंक के पास टेंडेंसी है कॉपर से ज़्यादा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर से कम है, तो जिंक बड़ी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जिंक से ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलते हैं और ये जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के ट्रेवल करते हैं एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू और ये चले जाते हैं कॉपर वाले सॉल्यूशन। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। द जिंक मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज, लूज मतलब खारिज कर देना। तो जिंक के पास ये टेंडेंसी है कि वो खारिज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली, ज्यादा आसानी से। रेडिली का मतलब है आसानी से, आसानी से ये लूज कर देता है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर की निस्बत जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एज द रिजल्ट, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाती है जिंक इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हैं मूव करते हुए इस तरफ आ जाते हैं एक एक्सटर्नल वायर के जरिए कॉपर इलेक्ट्रोड में। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है कॉपर आइंस, कॉपर आइंस इनको गेन करता है ऑफ द सॉल्यूशन एंड कॉपर आइंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड और कॉपर आइन डिपॉजिट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पे। अब इसमें होता क्या है, केमिकल रिएक्शन देखें। सबसे पहले जिंक के पास टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक के टाइन और दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। ये एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करते हुए चले जाते हैं सेकंड हाफ सेल। अब सेकंड हाफ सेल के अंदर क्या चीज मौजूद है, सेकंड हाफ सेल में मौजूद है कॉपर आयंस। ये कॉपर आयंस क्या करते हैं, ये आने वाले फ्लो करके आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट होना इज कॉल्ड रिडक्शन और लॉस होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन क्या होता है जी, के जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर के पास चले जाते हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक से ये लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन जब कॉपर के पास जाते हैं तो कॉपर के पास जाते ही ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इनको गेन कर लेता है कॉपर। तो कॉपर के ऊपर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और जिंक के ऊपर हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह से एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। कंट्रीजन की अगर मैं बात करूँ तो आप देखें एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है और इस रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्लो करते हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, जिंक से निकलते हैं एक एक्सटर्नल वायर में जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं कॉपर की तरफ और इस तरह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ स्टार्ट करने के लिए, कैलकुलेटर रन करने के लिए, टॉय कार्स, ये जो हम बल्ब देखते हैं, ये जितनी भी बैटरीज हैं, तमाम बैटरीज जो बल्ब को रोशन करती हैं, कैलकुलेटर चलाती हैं, हमारे मोबाइल फोन्स को चलाती हैं, ऑटोमोबाइल्स को चलाती हैं, सारी की सारी वोल्टिक सेल के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। बात करते हैं जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के कंपैरिजन का। मैंने इनको फोर पॉइंट्स प्लस एक एग्जाम्पल वाला पॉइंट पाँच पॉइंट्स में कैटेगराइज किया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वन कम्प्लीट सेल पर मुश्तमिल होता है, इसमें एक सेल होता है जिसे बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। इसमें एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, ठीक है। यहाँ पर होने वाले केमिकल रिएक्शन को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस और वो जो केमिकल रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस का।
करंट इज यूज, इसमें करंट यूज होता है फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और इसकी एग्जांपल है नेल्सन सेल और डाउन सेल। अगर हम गैल्वानिक सेल की बात करें तो गैल्वानिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक था, इसमें दो हाफ सेल है जिनको साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है। इसमें एनोड पर नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी ऑपोजिट है। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी अस्खुद होने वाला, और इसकी एग्जाम्पल है डैनियल सेल। अब बात करते हैं जी हम लोग डाउन सेल की, ठीक है। जेम्स नामी बंदा था, इसका नाम जो पूरा नाम था इसका नाम था जेम्स क्लॉयड डाउन नाम था इसका, ठीक है। 1922 में इसने मोल्टन NaCl से सोडियम मेटल ऑब्टेन करने का जो तरीका कार दिया, उस बेस पर इस पूरे तरीका कार में यूज होने वाले सेल को डाउन सेल कहा जाता है। डाउन सेल इस साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल कहते हैं सनती पैमाने पर, ठीक है, सनती पैमाने पर। ऑन मोल्टन स्केल, बड़े लार्ज पैमाने पर, सनती पैमाने पर, मोल्टन कहते हैं पिघले हुए, ठीक है, मोल्टन कहते हैं पिघले हुए सोडियम मेटल को ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है, सोडियम मेटल को हासिल किया जाता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी डालकर तोड़ा जाता है। फ्यूज कहते हैं लिक्विड स्टेट में मौजूद NaCl को। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक सर्कुलर फर्नेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक राउंड फर्नेस है। इसके अंदर जो एनोड है वो एक लार्ज ब्लॉक है ग्रेफाइट का, जो कि एग्जैक्ट ये देखें एनोड का जो ग्रेफाइट है, सॉरी ग्रेफाइट का जो एनोड है बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जो कि एनोड के तौर पर एक्ट करता है। इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट, ये जी पॉजिटिव चार्ज वाला, और अगर कैथोड की बात करें तो ये राउंड फॉर्म में मौजूद है और ये आयरन से बना होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस इज कैथोड। वर्किंग ऑफ डाउन सेल, डाउन सेल की बात करें तो द फ्यूज्ड NaCl, जो फ्यूज्ड NaCl है यानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद NaCl है, वो प्रोड्यूस करता है Na और Cl नेगेटिव आयंस। मैं इसकी इक्वेशन भी यहाँ लिख दूँ, नेक्स्ट में मजीद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये देखें NaCl कन्वर्ट हो रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये माइग्रेट करते हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेशन क्या है ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन मूव करता है कैथोड की तरफ, और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन मूव करता है एनोड की तरफ। तो द इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय स्टील गैस, क्लोराइड आयन जो है ये ट्रेवल करेंगे एनोड की तरफ और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से एनोड पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। और सोडियम आयन जो है ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे और ये डेंसर मीडिया की तरफ फ्लो करते हैं। इनके चार्जेस पहले इनके रिएक्शंस देखते हैं। NaCl कन्वर्ट हुआ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। NaCl किधर मौजूद था ये देखिए, यहाँ पे हमने लिक्विड NaCl को ऐड किया, लिक्विड NaCl का इनलेट है, यहाँ से ये लिक्विड NaCl ऐड किया और ये पूरा आपके पास NaCl मौजूद है। NaCl दो आइंस क्रिएट करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये चला जाता है एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड पर जाकर ये डिस्चार्ज होता है और ये लॉस कर देता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसके ऊपर ये न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें रिएक्शन एट कैथोड की, तो सोडियम आयंस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिव वाले कैथोड पर चले जाते हैं और वहां जाकर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, दो सोडियम है तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये होता है कि NaCl कन्वर्ट हो जाता है Cl और Na मेटल को ऑब्टेन करने के लिए ये रिएक्शन करवाया जाता है।
अगर कंट्रियन की बात करें तो क्लोरीन गैस इसमें लिबरेट होती है, यानी अगर आप डाउन सेल में ये रिएक्शन कराते हैं जिसमें एन ए और सी एल को कन्वर्ट किया जाता है सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल के साथ साथ क्लोरीन गैस भी हमारे पास ऑप्टेन हो जाती है। ठीक है, क्लोरीन गैस एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑप्टेन होती है वाइल, जबकि सोडियम मेटल को कैथोड पर कलेक्ट कर लिया जाता है। ये थे जी हमारे पास गैल्वेनिक सेल, कंक्लुजन और डाउन सेल। See you guys in my next video. Take care. Allah Hafiz.